हम चंदन 1980 में बाघ पछवाली कांड में 27 दिन तक जेल रहे। उसके बीच में तो कई बार जाना हुआ, लेकिन बीच बीच में एक आध दिन हो करके उन्हें छोड़ दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव की जेल, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ऐसे कार्यालय पर जाने पर लखनऊ कई बार मुलाकात हुई। ये गाँव में भैया ये किसी ढंग का शॉर्ट और वो नहीं शॉर्ट और हर जात से हर वर्ग से उनका कार्यक्रम था। और आज के राजनेताओं में तो व्यक्ति विशेष की बात और जात विशेष की बात होती है। जब मुलायम सिंह यादव की कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती हो, कभी आपसे कुछ कहा हो? मुलायम सिंह की वार्ता सामूहिक हम लोग मीटिंग में थे लखनऊ में, तो वहाँ उन्होंने एक लोगों को समझाया कि भाई निष्ठा और सच्चाई के साथ काम करिए, इसमें हमेशा हमेशा आपकी मर्यादा बनी रहे। जब वो इलाहाबाद आए पहली बार मिले हुए थे तो वर्गीय श्री सत्य प्रकाश मालवी इलाहाबाद आए लखनऊ से, मेरी उनकी मुलाकात हुई तो वर्गीय सत्य प्रकाश मालवी ने कहा, लाल आज तुम्हारे यहाँ मुलायम सिंह यादव खाना खाइए, ठीक स्वागत है। करीब एक बजे डेढ़ बजे के आसपास श्री मालवी जी, श्री मुलायम सिंह जी पहली बार इलाहाबाद आए, उसके पहले विधायक भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे। आए मेरे घर गए, राजेंद्र सिंह जी थे, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह अलीगढ़ वाले विधायक, बहुत पुराने समाजवादी, सब लोग बैठ के खाना खाया। खाना खाते समय क्या क्या खाने में खाए थे मुलायम सिंह? खाने में पूरी कचौड़ी, दमालू की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी एक सूखा मिक्स वेजिटेबल टाइप का, इलाहाबादी भगवान के दया से गाय घर में हमेशा रहता है, दूध का मेवा का खीर बनवा दिया था बड़े प्रेम से। और जी मुलायम सिंह जी ने प्रसाद ग्रहण किया, हमने आशीर्वाद दिया उनको। और क्या बातें हुई थी, कुछ आपके लिए कुछ बोला था मुलायम सिंह यादव ने, या उन्होंने राजनीति को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी जो आपको आज भी याद? राजनीति में उन्होंने कहा कि पंडा जी आप तो राजनीति में ही हैं, मालवी जी ने हमको बताया है आपके विषय में, आपके पिताजी भी समाजवादी थे, चुन्नन गुरु और स्वर्गीय शालीग्राम जयसवाल के मित्र थे, आप भी राजनीति में हैं। उस समय संजोग से हम पढ़ाई भी अपना ख़त्म कर लिया था, कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, आप दिलचस्पी लीजिए अपने समाज के लोगों को, समाज के नवयुवक को, महिलाओं को अपने साथ लगाइए, राजनीति में जोड़िए और इस प्रदेश का देश का भला कीजिए। आप लोगों का सहयोग बड़ा आवश्यक है क्योंकि आप लोग अच्छा है जी। और संगम नगरी में कुछ ऐसे क्रियाकलाप क्रियाक्रम के लिए मुलायम सिंह यादव का परिवार आते रहे होंगे, तो किस तरह के मुलायम सिंह यादव कितनी बार आए हैं संगम में, किनकी किनकी अस्थियाँ या उनका पूजा पाठ किया है? मुलायम सिंह जी की श्रीमती जी की जब देहांत हुआ तो मुलायम सिंह जी स्वयं आए थे, अखिलेश जी छोटे थे, हमारे छात्र शायद पढ़ रहे थे उस समय, अपने अस्थि लेकर के आए थे, हमारे हाथी झंडा पर गए, हाथी का हमारा क्योंकि सिंबल है तो निशान है परंपरा से, गए वहाँ बैठे, अपने श्रीमती जी का अस्थि पूजन किया, पिंड वगैरह किया, गंगा स्नान किया, यथाशक्ति हमको दक्षिणा दिया। इसके पहले श्री मुलायम सिंह यादव के पिताजी का जब अस्थि आया था या माताजी का अस्थि आया था तो हमारे परिवार में हमारे पिताजी हमारे चाचा वगैरह जाके उनका पूजन कराया था। मुलायम सिंह तो नहीं आए थे, उनके परिवार तो उनके भाई राम गोपाल थे या शिवपाल थे,
कोई उनके परिवार के आए। तो आप उनके परिवार के तीर्थ पुरोहित जी? कितने साल हो गए आपको मुलायम सिंह यादव के तीर्थ पुरोहित बने? हजारों वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, क्योंकि उनके पूरे परिवार का मेरे पास रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड। मुलायम सिंह जी का, मुलायम सिंह के पिता का नाम, मुलायम सिंह जी के बाबा का नाम, मुलायम सिंह के पर बाबा का नाम, सबका मेरे पास रजिस्टर में दर्ज है ना।